100 गोल्ड कॉइन्स, यू आर रियली अ गुड मैन। 1 सोने के सिक्के, क्या यू आर रियली अ गुड मैन, तुम सचमुच में एक अच्छे आदमी हो। हाउ फार इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना दूर है। ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू वर्क 1000 मील्स फॉर 100 गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने बोला कि मैं रेडी हूँ चलने के लिए, 1000 मील चलने के लिए मैं रेडी हूँ। किस चीज़ के लिए? 100 सोने के सिक्के के लिए, सेट बिरजू क्लिफली, जो उसके फादर स्मॉल सिंगर के जो फादर थे उन्होंने ग्लिफली मतलब हैप्पीली खुश होते हुए कहा कि हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, 100 मील चलने के लिए तैयार हूँ, 100 सोने के सिक्कों के लिए। देट विल बी अननेसेसरी, यू हैव टू वॉक ओनली 3 मील्स, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, उन्होंने बोला जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने बोला इतने चलने कोई अननेसेसरी, दैट विल बी अननेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। यू हैव टू वॉक ओनली, तुम्हें बस कितना चलना होगा, 3 मील्स, तुम्हें 1000 मील नहीं चलने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ 3 मील्स ही चलना होगा, रिप्लाइड द ओल्ड मैन, किसने बोला, जो बूढ़े व्यक्ति थे बूढ़े आदमी उन्होंने कहा। बिरजू रिटर्न्ड द कॉइन वी हैड ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम द ओल्ड मैन, बिरजू ने क्या कहते हैं जो उससे वो रिसीव किया था, क्या कहते हैं सोने के सिक्के, वो उनको उन्होंने रिटर्न कर दिया। Then he followed the stranger to obtain the promised 100 coins. और उसके बाद उसने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, किस चीज के लिए, जो उन्होंने 100 गोल्ड कॉइन्स का प्रॉमिस किया था। As they walked, Birzu accelerated it, seemed as though he would burst with joy. Do you know what I will do with the 100 gold coins? He asked. No, replied the old man. I will build a castle which will surpass the king palace in grandeur. Oh, I see. And I will ask the king for his daughter's hand in marriage. But you are already married and you already have a daughter. So what? I will marry again and this time noon less than a prize princess. Ah, I see. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं।